उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चहेते विधायक शहनवाज आलम को भी आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है। बिहार सरकार के मंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद शहनवाज आलम अररिया पहुंचे। अररिया में प्रोटोकॉल के मुताबिक शहनवाज आलम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं आरजेडी वर्करों में भी एक उत्साह नजर आया। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम ने समर्थन देने के लिए सीमांचल के लोगों का शुक्रिया अदा किया। पहले तो मंत्री पद ग्रहण करने के बाद आज हमारे गृह जिला में पहला दौरा है। आप तमाम लोगों के साथ साथ पूरे सीमांचल वासियों को, खास करके अररिया के सभी लोगों को, जोकीहाट के हर एक बड़े बुजुर्ग, हमारी पाक सीरत माओं बहनों, नौजवान साथियों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये सब उनके दुआओं के बदौलत आज मुमकिन हुआ है। स्वाभाविक है, पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आप सबों को पता है कि हमारा जो इलाका है सीमांचल का, प्राकृतिक आपदाओं का जगह है। हर वर्ष बाहर से काफ़ी नुकसान होता है, चाहे हजारों घर पानी में विलीन हो जाता है। वहीं आलम ने कहा कि सीमांचल में बाढ़ की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए इस इलाके की समस्या को दूर किया जाएगा। मौत हुई है, किसानों का फसल का क्षति होता है, तो ये सब सारी चुनौतियां हैं। अभी हमने दो दिन पूर्व ही मंत्री पद ग्रहण किया था, तो चुनौतियां हैं, लेकिन हम लोग टीम वर्क करेंगे और जो भी हमारी इलाके की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार भी है, आदरणीय नीतीश जी ने भी हमेशा बोला है कि बिहार के खजाने में अगर पहला हक है किसी का तो वो आपदा पीड़ितों का है। हमारे पार्टी के आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, पिछले चुनाव में उन्होंने भी सीमांचल को लेकर के कई सारी बातें कही थी और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। शहनवाज आलम के आपदा प्रबंधन मंत्री बनने के बाद सीमांचल के लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। उम्मीद है कि आलम इस इलाके के बाढ़ की समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।